राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल आरपी शाही ने कहा कि भारतीय सेना दुनिया की श्रेष्ठ सेनाओं में से एक है। अग्निपथ दुनिया में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरते भारत, नए भारत, श्रेष्ठ भारत के अनुरूप सेना को श्रेष्ठतम बनाने का मार्ग है। आजादी के अमृत काल में भारतीय सेना भी पूरे विश्व में अद्वितीय हो, इस निमित्त अग्निपथ पहले प्रयास सरीखा है। लेफ्टिनेंट जनरल शाही युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 53वीं तथा राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की आज पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के अंतर्गत शुक्रवार को भारतीय सेना और अग्निपथ विषयक संगोष्ठी को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समर्थ और विकसित राष्ट्र की पहली व अनिवार्य शर्त है शांति। शांति के लिए शक्ति संतुलन अपरिहार्य है। भारत में इसी शक्ति संतुलन के लिए युगानुकूल परिवर्तन की बेहद महत्वपूर्ण शुरुआत है अग्निपथ योजना। शक्ति संतुलन से शांति और शांति के माध्यम से विकास। इस परिप्रेक्ष्य में अग्निपथ व्यावहारिक रूप में समग्र विकास की आधारशिला बनेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। भारतीय सेना के शौर्य का मान व ज्ञान हमें रामायण तथा महाभारत काल से ही है। वर्तमान दौर में हमारी सेना थल, नभ और जल तीनों क्षेत्रों में बहुत तीव्र गति से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। स्वदेशी पोत, एयरक्राफ्ट, मिसाइलें आदि भारतीय सेना की नई पहचान बन रही है। सेना की नई और सुदृढ़ पहचान की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में अग्निपथ का नाम भी जुड़ गया है। अग्निपथ के माध्यम से अपना देश प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं का देश बनेगा। संगोष्ठी में अपने विचार रखते हुए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे के सेवानिवृत्त आचार्य प्रोफेसर राजेंद्र भारती ने कहा कि सेना का अग्निपथ वह मार्ग है जो कौशल विकास और अनुशासन से दक्ष कर युवाओं को उनके सुनहरे और बहुआयामी भविष्य की ओर उन्मुख करेगा। उन्होंने अग्निपथ योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि अग्निपथ में 4 साल की सेवा के बाद युवाओं पास सेना के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी समायोजित होने का भरपूर अवसर होगा। 25% अग्निवीर योग्यताओं के अनुसार सेना में ही भर्ती कर लिए जाएंगे। जो 75% शेष रह जाएंगे उन्हें कंबाइंड आर्म्ड पुलिस फोर्सेस CAPF में भर्ती के लिए 10% आरक्षण व आयु सीमा में छूट मिलेगी। इसके अलावा उन्हें डिफेंस, PSU, कोस्ट गार्ड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि राज्यों के पुलिस में भर्ती होने की वरीयता मिलेगी। टाटा और महिंद्रा जैसी कई कंपनियों ने भी अग्निवीरों को सेवायोजित करने की बात कही है। यदि कोई अग्निवीर सेवा के बाद खुद का कारोबार शुरू करना चाहेगा तो सेवा पूर्ण होने पर मिलने वाले 11.70 लाख रुपए व बैंक लोन की मदद से वह बहुत कुछ कर सकेगा। उन्होंने अग्निवीर को 4 सालों के दौरान मिलने वाले वेतन व उसके बाद मिलने वाली एक मुश्त राशि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए सिद्ध गुफा सवाई आगरा से पधारे ब्रह्मचारी दास लाल ने कहा कि अग्निपथ वास्तविक रूप से जीवन का पथ है। यह राष्ट्र धर्म का पथ है, जीवन के लक्ष्य को साधने का भी पथ है, जीवन की सफलता का पथ है, भारत माता की सेवा साधना का पथ है, मानव जीवन की मुक्ति का पथ है और युवाओं को राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध कराने का पथ है। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह ने कहा कि हमारे देश की विविधता ही हमारी ताकत रही है। अग्निपथ अखिल भारतीय स्तर की भर्ती की योजना है और इसके माध्यम से हम अपनी विविधता की ताकत का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। संगोष्ठी का शुभारंभ ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के चित्रों पर पुष्पांजलि से हुआ। वैदिक मंगलाचरण, डॉक्टर रंगनाथ त्रिपाठी व गोरक्ष अष्टक का पाठ गौरव और आदित्य पांडे ने किया। इस अवसर पर महंत शिवनाथ, महंत गंगादास, राम मिलन दास, महंत रामनाथ, महंत राजूदास, महंत मिथिलेश नाथ, महंत रविंद्रदास, महंत पंचाननपुरी, गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आप जैसा कि हमारे पिछले डॉक्टर ने बताया, मैं कुछ अपने अनुभव जो हमने 40 सालों की पहुंच की नौकरी में और करीब 10 साल 68 का अनुभव सैनिक को चले गए थे, जब बाद में हमारा वहाँ पे कंप्लीट हो गया था
यंत्र पे एक साल का बैक था और एक मनमाना था डिग्री कॉलेज में भाई डाल डिग्री इंटर कॉलेज में कौशिक जी हमारे पुराना साल हुआ करते थे तो उन्होंने कहा तुम जाते बैठे हो आज कुछ कॉमर्स पढ़ो कॉमर्स पढ़ाते हो बाकी का नहीं पैसा पार्टी थे तो हमेशा महिला हमारा मुलाकात करती मैं विद्यार्थी का चुका हूँ और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी बैठे हैं या जो टीचर्स बैठे हैं महिला ध्यान देने के लिए गर्मी तो शुरू होती है बचपन से वो अगर अच्छे स्कूलों में हो इससे बढ़िया स्कूल में आप कहाँ पढ़ाई कर सकते हैं तो आज आप यहाँ एडमिशन पाए जो है आपके अप्रोच की शुभकामनाएं भी देता हूँ कि एक अच्छे माहौल के अंदर आपकी पढ़ाई होती है और आप उसको भी उसको आगे बढ़ाएंगे और अपनी अपनी जो भी एम चाहिए ऑब्जेक्टिव है कोई जरूरी नहीं सब लोग आपको पढ़ने ही आगे और उसके अलावा भी अपना उसमें रिसर्च कीजिए और अपना नाम ऊँचा कीजिए अपने माता पिता का कीजिए अपने कॉलेज का कीजिए और प्रोग्राम से लगा कीजिए। अब एक दो चीज़ें जो मैं अपने अनुभव और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि हमारे प्रीवियस सरकार ने बताया कि इंडिया के ऑपरेशन जे एन और श्रीलंका के ऑपरेशन में जो उनकी ज़्यादा बातचीत नहीं की जा रही है उसके बारे में दो लड़ाई उस समय पहली बार सीआई ऑपरेशन में हम लोग 1994-95 में अनंतनाग जिले में डिप्लॉयड थे हमारे ऊपर लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे जगह को सुरक्षित बना रहे थे तो हम लोग के ऊपर गोलियाँ चलने लगी और खड़े को देख रहे थे कि चल कहाँ सके हमारे बगल में हमारे दूसरे कंपनी कमांडर को हमारे भाई थे याद है हम लोग खड़े होकर देख रहे थे। अब ये बाबा गौरव नाथ का अश्वा बाबा का मेरे ऊपर मैंने देखा कि उसके पैर के बीच से बोली चलो मैंने मेरा ध्यान अपने पैर के नहीं आया उनके पैर के बीच और उसने देखा कि मेरे पैर के बीच से भी हम लोग यहाँ पे खड़े थे रेडियो से हम बात कर रहे थे तो उसने मेरे को धक्का दिया मैं धक्का दिया मैंने उसको धक्का दिया और मैं कहने का मतलब है कि देखिए क्षण भर में अगर उसने धक्का धक्का नहीं दिया होता है और पहले नहीं दिया होता तो शायद मैं आपसे बात बात नहीं कर पाता क्या उसके बाद से वकील के ऊपर मकान से वेंटिलेटर से तारीफ कर रहे थे उन्होंने बात दिला रहा उसके बाद ऐसी बात नहीं कभी मैं आपके सामने एक जनता था और फिर अपने करने का और जो आवाज वो तो दिया उस साइड पे हमको दिखाई नहीं दी जब आप बुलेट चल रहे इसी दिन हम हॉल में कहते हैं कि जो बुलेट हमारे लिए बनी होगी हम उसको देखेंगे नहीं अगर हमने सुन लिया तो कान से निकल कर कान में बोर्ड निकल गई अगर हमने देखा कि भूल आगे से हो गई तो गोली नहीं खत्म होगी लेकिन जो हमारे लिए बनी होगी ना हम उसको देखेंगे ना होंगे प्रधान इस बात जब सुना ही नहीं देखा नहीं उस वजह से हमने नौकरी की और 2016 में हम सेवानिवृत्त हुए ये तो कहानी थी उसके अलावा भी मैंने हमारा बहुत दिन भी देखे बहुत छोटा बहुत कहानी है दूसरा था श्रीलंका की जब श्रीलंका में पीस मीटिंग बोर्ड चल गई थी इंडियन आर्मी की तो जाफना के अंदर किला वो किले को डॉक्टर से दर्शक लोगों ने किला हुआ था हमारी फौज वहाँ पर पहुँच गई हम लोग फौज के जैसे मैं कहूँ वहाँ पे डॉक्टर से दिला हम लोग उसके ऊपर चढ़े तो एक फिर फायर आया हमारे ऊपर हमारे सीन हम हमें मेजर था वापस कहो असर 1987 की बात है हमारे जो सीनियर थे मैं साफ वास्ता था वहाँ पर इंटर बनी थी तो पता नहीं कुछ मेरे को अपने आप लड़ा मैंने उनको धक्का नहीं दिया जमीन के ऊपर मेरे को लगा कि वो गोली उनके तरफ मार और दुआ भी रही तब हमने देखा तो फोटो की दीवार को उठा गोली मेरे दुआ में चुकी ये कोई मेरी महादी नहीं थी एक कहते हैं इंस्टेंटेनियस डिसीजन था तो वो जब गिरे तो नाराज भी हो कि धक्का मैंने क्यों दे दिया मैं जब मैंने मार उनको दिखाया तो कहते हैं तो खुदा मैंने गोली चला रहा है कोई पता नहीं था लेकिन वैसे हमेशा होगा मेरे को कि हम गोलियाँ चल रही हैं और शायद हमको उनका स्नाइपर ने देख लिया कहीं घर उनको उसको स्पॉट कर दिया था एक खजूर के गेट के ऊपर चढ़ करके बात कर रहा था जैसा कि हमारे साथ जी ने बताया सुखराम जो बहुत जो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने
कंपनी ने उसका इनोवेशन किया है। हमारे देश में दो एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाना पूरी दुनिया में एक अपना जगह बनाना, तो जगह बनाने का कंपनी के बारे में कोई भी जानना चाहते हैं, लेकिन मुझे तौर पर उसमें दो काफ़ी उसमें डाउट करता है, मैंने कोई ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन फिर भी मैं उसमें कुछ चीज़ें और पढ़ने की कोशिश करूँगा जो छूट गई है उन लोगों से। ये तो यह है कि भारतीय जी ने बताया कि काफ़ी तीनों सर्विस किसने काफ़ी हासिल किया है, इस विषय पर जो भी अपनी पॉलिसी बनाई गवर्नमेंट ने, इसमें सारे जो विकसित देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, इंक्लूडिंग चीन, पाकिस्तान, इसराइल, जर्मनी, रशिया और सारे जो महत्वपूर्ण देश हैं, लेकिन भी रक्षा जो ओवरसीज हैं काफ़ी सक्रिय हैं, उनका अध्ययन करते हुए इस पॉलिसी का अपने अनुरूप उसको ढाला गया, आपने कॉपी नहीं किया है उसके अनुरूप ढाला गया। जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, बाबा साहब अम्बेडकर का स्टेटमेंट है, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया तो उसमें भी उन्होंने बाकी देशों का रिसर्च किया, वहाँ से अच्छे अच्छे जो पॉइंट है, लेकिन उनको भारत के अंदर कैसे लाना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नहीं लाया जाता।